क्लास में बात करी थी लिगेंड्स के बारे में, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड के बारे में, अब हम बात करेंगे पॉलीडेंटेड के बारे में। देखो, हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर सेकंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सह संयोजक यौगिक। तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि क्या होते हैं उप सह संयोजक यौगिक। हमने उनमें बात करी थी कि ये तीन प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी मोनो और डाई। आज हम बात करेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं EDTA। सबसे पहले हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, EDTA-4। इसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिड। और -4 क्या है, चार्ज, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिड। अगर बात करें इसकी संरचना की, हेक्साडेंटेड। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें EDTA-3। देखो माइनस चार्ज कैसे है इसमें, माइनस चार्ज कैसे है, 1, 2, 3 और 4 कितने माइनस है इसमें, चार, इसके ऊपर क्या आ रहा है, माइनस चार। अब हम बात कर रहे हैं EDTA-3, माइनस थ्री मतलब इसमें एसीटेट आयन कितने होंगे, 3 बनाते हैं। जो हैं एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इनको बनाते कैसे हैं। नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि किस प्रकार का लिगेंड है ये। अब बात करें तो इसमें कितने दाता परमाणु हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कितने हैं, 5 दाता परमाणु हैं। कितने दाता परमाणु हैं, 5। चार्ज कितना है, 1, 2, 3, 5 डाटा परमाणु है। तो इसको क्या बोलते हैं, पंचदंतक या पेंटाडेंटेड, क्या बोलते हैं इसको, पेंटाडेंटेड। नेक्स्ट हम अगर बात करें एथिलीन डाईएमीन डाई एसिड की एसिड माइनस EDTA मतलब वापस में एथिलीन डाईएमीन डाई एसिड, इसका नाम क्या है, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसिड। ये क्या है, डाई एसिड, डाई एसिड मतलब दो एसिड होने चाहिए इसमें। हम इसकी संरचना अगर बनाएं, ठीक है, ये हमने बात कर,
टोटल ईडीटीए माइनस फोर, ईडीटीए माइनस थ्री, ईडीटीए माइनस टू। अगर बात करें इसकी संरचना की तो देखो, अगर बात करें इसकी संरचना की तो साथ उठा लेना, स्क्रीन शॉट बैठ करके ले लेना। ये इसमें कितने ज्यादा परमाणु है, छह। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया छह। कोऑर्डिनेशन नंबर छह है तो इसकी संरचना क्या होगी, sp3 d2 या d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, छह, क्योंकि छह दाता परमाणु है उतने ही ये क्या बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा या उच्चय संयोजक बंध बनाएगा, उसको बंध क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन नंबर छह है तो इसका संकरण क्या हो गया, sp3 d2 या d2 sp3। एक चार पाँच छः हो गए, छः दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए। अगर ये होती है तो इसकी संरचना क्या होती है, स्क्वायर बाय पिरामिडिकल, या संरचना होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। अगर बात करें इसकी संरचना बनाने की तो ऑक्टाहेड्रल हम बनाएंगे कैसे, मेटल आयन हो गया, ¡Gracias!
डाइमिन एथिलीन ट्राइमिन, ठीक है। अगर बात करें इसमें दाता परमाणु है, तो कितने दाता परमाणु हैं, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेट, तीन दाता परमाणु। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेट। अब देखो ये मेटल से कैसे जुड़ेगा, दाता परमाणु,
ऑक्सीजन, अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु की तरह कार्य करता है, अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु की तरह कार्य करता है तो उस लिगेंड को बोला जाता है नाइट्रो, और अगर इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है तो उसको बोलता है नाइट्राइटो, उसको क्या बोलते हैं नाइट्राइटो। अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु की तरह कार्य करता है तो नाइट्रो, और अगर इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है तो उसको बोलते हैं नाइट्राइटो। तुम इसको बता सकते हो एक बार?
सीरियम NO3 के साथ, सॉरी NO3 सीरियम के साथ बाइडेंटेट का कार्य करता है। ऐसे ही मान लो कोई भी इसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाता है, डी ब्लॉक का मान लो आ जाता है, फेरस लगा देता मान लो, ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता जो है यही होता 6। मोनोडेंटेट की तरह कार्य करता है, एक दंती की तरह कार्य करता, तो एक मतलब 6 बराबर 6। क्वेश्चन ये आया हुआ है इसलिए इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो। वापिस सुन लो, NO3 F ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बाइडेंटेट का कार्य करता है, तभी तो फ्लेक्सिबल बोल रहे हैं इसको, चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल मतलब चेंज होना। NO3 D ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ मोनोडेंटेट का कार्य करता है। तो हमने क्वेश्चन देखा सीरियम NO3 6 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो मैटर का कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखें तो NO3 बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है तो इसमें दो दाता परमाणु है, तो 6 एक बना रहा होगा, 6 दूसरा बना रहा होगा, कितना बना, 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12। ठीक है, ऐसे ही सेम CO3 -2 SO4 -2 क्लास में पढ़ेंगे बर्नर का सिद्धांत।